दोस्तों आप सबका इस वीडियो में स्वागत है, जो कि आज मैं बताने वाला हूं आप लोग अपने मोबाइल फोन में अपने काइन मास्टर ऐप में कैसे आप लोग अपने वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीका से। जी हां दोस्तों, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि तड़कते भड़कते के साथ जो कि आप लोग एकदम आराम से एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में अपने काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद से ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, उसके बाद से इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद से क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पे तीन ऑप्शन दिख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि अगर आपको YouTube साइज बनाना है वीडियो तो 16:9 का रेशियो ले लेंगे। उसके बाद से अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है तो यहाँ पे 9:16 का रेशियो ले सकते हैं। अगर शॉर्ट भी बनाना है जो कि 14 मेगा तो आप यहाँ पे 1.1 ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखा देने वाला हूँ, जो कि मैं यूट्यूब साइज लेने वाला हूँ, 16:9 का रेशियो ले लूंगा। उसके बाद से मैं यहाँ पर अपना वीडियो एक ऐड कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी अपना एक वीडियो ऐड कर लीजिएगा काइन मास्टर में। उसके बाद से मैं यहाँ पर चलाकर दिखा देने वाला हूँ कहाँ कहाँ मेरा वीडियो खराब है। उसी तरह मैं यहाँ पर काट कर आपको दिखा देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जो कि यहाँ तक मेरा पूरा का पूरा वीडियो खराब है। तो आप लोग भी इसी तरह करते होंगे, जो कि वीडियो अगर शूट करने जाते हैं तो आप लोग पहले ही कैमरा ओपन कर देते होंगे। उसके बाद से आप लोग भी इसी तरह वीडियो करते होंगे, जो कि आप लोग वीडियो काट नहीं पाते होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो अपना काट कर दिखा देने वाला हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर दिया हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप लोग वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कैंची वाला ऑप्शन यहाँ पर उग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कैंची वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ यहाँ पे चार ऑप्शन दिख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कि ट्रिम टू लेफ्ट अप प्ले हेड। लेफ्ट मैंने क्या होता है, लेफ्ट मैंने बायां साइड होता है। तो बायां साइड का वीडियो हमको काटना है, हमारा वीडियो खराब है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा बायां साइड का वीडियो कट चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ वीडियो खराब है, फिर से अंदर भी देखते हैं कहाँ कहाँ वीडियो खराब है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम आराम से वीडियो एडिटिंग करूँगा, कोई तेजी वगैरह नहीं है। तो आप लोग एकदम आराम से शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा किस तरह मैं काटा हूँ, किस तरह मैं बनाया हूँ, किस तरह मैं एडिटिंग किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मेरा वीडियो यहाँ से खराब है, ठीक है। तो फिर से मैं इसी वीडियो पर क्लिक करूँगा, उसके बाद से आप देख रहे हैं कैंची वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद से कैंची पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद से आप देख रहे हैं बीच का वीडियो ना, बीच का जो बीच में वीडियो है, तो इसको कैसे काटेंगे बीच में। तो देखिए यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन स्प्लिट एट द प्ले हेड यहाँ पर है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा। तो जो इधर का वीडियो है, ये सब वीडियो है, जो ये सब वीडियो है, ये नहीं कटेगा, ये सब वीडियो नहीं कट पाएगा ना इसी तरह, इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस वाला आइकन ला दिया। उसके बाद से मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक मेरा वीडियो खराब है। तो देख रहे हैं आप, मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इधर का वीडियो कट जाए, जो कि लेफ्ट साइड का वीडियो कट जाए। फिर से इसी वीडियो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कैंची वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद से कैंची पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से लेफ्ट प्ले हेड कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाला जो ऊपर ऑप्शन है उसी को कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कट गया। फिर से उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ वीडियो खराब है, ठीक है। उसके बाद से फिर से यहाँ पर उसी तरह कर देंगे, उसी तरह देख रहे हैं बीच में यहाँ पर वीडियो मेरा खराब है, ठीक है, यहाँ पे बीच में मेरा वीडियो खराब है। तो इस पर फिर से क्लिक कर देंगे, इस वीडियो पे फिर से कैंची वाला ऑप्शन लाएंगे। उसके बाद फिर से स्प्लिट एट द प्ले हेड कर देंगे, जो कि तीसरा ऑप्शन है, फिर से जो कि प्लस वाला आइकन आ जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक मेरा वीडियो खराब है। उसके बाद से फिर से यहाँ पर जाएंगे, फिर से कैंची का ऑप्शन ला देंगे। उसके बाद से ट्रिम टू लेफ्ट अप प्ले हेड ऊपर वाला ऑप्शन कर देंगे, फिर से लेफ्ट साइड का वीडियो कट जाएगा। उसके बाद से चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे राइट साइड का वीडियो काट पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर का वीडियो कैसे काट पाएंगे, तो देखिए यहाँ से मेरा वीडियो सही है। उसके बाद से यहाँ से मैं वीडियो काटना चाहता हूँ, ठीक है, फिर से वीडियो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कैंची वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आप कैंची पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन जो है ट्रिम टू राइट अप प्ले हेड। राइट मैंने क्या होता है, राइट मैंने दायां साइड होता है। तो इधर का मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ, कट गया वीडियो। तो आई होप यू, मैं ऐसा करता हूँ आपको पूरा का पूरा वीडियो एकदम आराम से समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो एडिटिंग हो चुका है। उसके बाद से आप अपने फाइल में वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो कि एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाई क्वालिटी, क्वालिटी, HD क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, किस पर करना चाहते हैं आप उस पर लगाकर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सपोर्ट के बगल में देख रहे हैं आप MB कुछ है, 164 MB है, 164 कितना इतना जो ये बढ़ाएंगे ना,
जितना एमबी का होगा उतना एमबी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं 99 MB का, तो मैं यहाँ पे 99 MB का एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने फाइल में। इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद होना चालू हो जाएगा एक्सपोर्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो मिलते हैं। जो कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जो कि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए, जो कि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो जरूरत पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।